रीवा में दिनों दिन महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला रीवा के सोहागे थाना क्षेत्र का है, जहां पर चार मनचलों ने सीएम राइज स्कूल की छात्राओं के साथ अभद्रता की, जिसके चलते स्कूली छात्राओं में डर का माहौल है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने बदमाशों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में कोलकाता रेप और हत्याकांड के मामले से पूरे देश में खुस्सा उबाल मार रहा था कि मध्य प्रदेश के रीवा से एक और घटना सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने स्कूली बच्चियों से छेड़छाड़ की। ये मामला रीवा के सीएम राइज स्कूल का है, जहां लंच के समय चार मनचलों ने छात्राओं से अभद्रता की। बदमाश नशे में धुत होकर स्कूल में घुसे और बच्चियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। वहीं मनचलों ने छात्राओं से टिफिन भी छीन लिया। घटना के बाद स्कूली छात्राओं में डर का माहौल है। वहीं पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच शुरू कर दी है। हम लोग रायपुर शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, और जब लंच का समय था और मैं हमें सहेली हम लोग लंच कर रहे थे, तभी हम लोग को देखते हुए बोलते एक लड़की हमें भी दे दो। तो हम लोग वहाँ से कौन बोला ऐसा? दो तीन लड़के आए थे बाहर। उनका नाम जानती हो? हाँ, नहीं उनका नाम तो नहीं जानते। उन लोग भक्तराज और उसको अमित मिश्रा को पूछ रहे थे कुछ। तो हम लोग डर के मारे वहाँ से चले गए, तो फिर उन्होंने हम लोग का लंच खा लिया और गाली को पोछ करने लगे। तभी भी हम लोग ने वहाँ से डर के मारे चले गए, फिर हम लोग गंदा गंदा बोलकर चले गए। और हर बार इन लोग ऐसे करते बहुत। अच्छा, ऐसा पहले भी हुआ है क्या? हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसा पहले भी हुआ है, लड़कियाँ बता रही थी। हाँ। अच्छा, स्कूल प्रशासन इसके खिलाफ कुछ किया क्या? नहीं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग स्कूल नहीं पाएंगे। स्कूल नहीं जाओगी? नहीं। नरेंद्र कुमार मिश्र, प्राचार्य शासकीय सीएम राज हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर सुनौली, प्राचार्य के पद में कार्यरत हैं। परसों 20 तारीख की घटना है। मैं फिर कार्यालय का थोड़ा रीवा गया था, और विद्यालय में श्री विद्या भास्कर शुक्ल जी को प्रभार देके गया था। उसने प्रभारी विद्या भास्कर शुक्ल जी को मुझे फ़ोन पर सूचना मिली 3 बजे के लगभग कि दो बच्चे, कोई बाहरी बच्चे घुस गए थे विद्यालय में और कुछ बच्चों के साथ अभद्रता की, और कुछ कक्षा में पढ़ाई के समय व्यवधान डाला। फिर मैंने फ़ोन किया उनके प्रभारी को भी जाके देखे क्या है, और उसमें FIR कराना है, पुलिस को सूचना दे दी। तो विद्यालय की तरफ से भी उसी दिन चौकी सोनवरी चौकी में सूचना दी गई थी कि इसी तरह घटना हो गई, उस पर कार्यवाही की जाए। और आज TI साहब सुहागी भवन शुक्ला जी आए थे, उन लोग के टाइमिंग भी हो गई है, FIR दर्ज हो गया, अपराध कायम हो गया है। विवेचना जारी है, तो जल्दी से उनके ऊपर कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। अच्छा, ये बच्चियाँ थी, उनका ये कहना था कि पहले भी ऐसी घटना स्कूल में हो चुकी है, क्या आपके संज्ञान में है? नहीं, मैं तो मार्च 2019 में आया हूँ, तब से तो इस तरह 2024 में। नहीं, बच्चियाँ छेड़खानी की ही घटना बता रही थी कि पहले भी हो चुकी। यहाँ विद्यालय के अंदर तो मेरी जानकारी में भी तो तुम्हें कोई जानकारी नहीं? ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं घटना। और ये जैसे विद्यालय परिसर में ये होना, ऐसी घटना होना, कहीं ना कहीं विद्यालय परिसर की भी लापरवाही मानी जा सकती है? नहीं, वो बाहर से बच्चे बाहर से कूद के आए थे। बाहर से वो स्कूल में आए कैसे? ये बाउंड्री कूद के इधर से आए थे, इधर बाहर गाड़ी खड़ी किए तो बाउंड्री कूद के उधर। अच्छा, पीछे से? हाँ, पीछे से। तभी पकड़ने की भी कोशिश की गई, फिर उस पर भाग गए, नहीं पकड़ जाते, लेकिन वो इतना तेजी से भागे। क्या वो बच्चियाँ स्कूल आ रही हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी? कल तो आई थी, आज नहीं देखे, आज नहीं आई। कल आई थी? आए दिन रीवा में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अपराधियों में कानून का खौफ होना बेहद जरूरी है। वहीं छात्राओं से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, रीवा।